मैं गीता श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि पैरों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन कौन सा योग करना चाहिए। नमस्कार गीता जी, जैसा कि आपने अपनी समस्या बताई कि आपके पैर के हड्डियों में जो है वो अक्सर दर्द की शिकायत रहती है, तो मैं बताना चाहूँगा गीता जी कि महिलाओं में अक्सर 50 वर्ष की आयु के बाद यह समस्या देखने को मिलती है। इसके कुछ कारण हैं। पहला तो है मेनोपॉज का कारण, जिसके चलते यह समस्या देखने को मिलती है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। अक्सर बढ़ती उम्र के महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के भी लक्षण देखे जाते हैं, जिसमें हड्डियाँ कैल्शियम छोड़ने लगती हैं, या फिर कहें तो हड्डियों से कैल्शियम जो है वो घटने लगता है। तो गीता जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस बीमारी के लिए आपको जो है वो अपने खान पान में सुधार करना होगा, क्योंकि यह बीमारी खान पान के सुधार से ही ठीक हो सकती है। जैसा कि आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं दूध, पनीर, छेना या दूध से बना हुआ कोई भी ऐसा पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो हो। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, साग खाते समय ध्यान रखेंगे कि आप पालक के साग से परहेज रखिएगा, पालक साग को नहीं खाना है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं। आप अगर शाकाहार पसंद है या फिर अगर आप मांसाहार भी अगर ग्रहण करती हैं, आप जो है वो मछली का सेवन कर सकती हैं, फिश खा सकती हैं, खास करके बोनी फिश, हड्डी वाले जो साबुत हड्डी के साथ खाने वाली मछलियां हैं उनको आप खा सकती, जैसे देसी में कतला हो गया, इनको आप सेवन कर सकती। साथ ही अगर मैं योग में कहूँ तो योग में आप पवन मुक्तासन भाग 1 और भाग 2 का अभ्यास कर सकती है, जिसमें कि कुछ सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास है जो कि जॉइंट से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है, उनका आप अभ्यास करें। साथ में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम नंबर 3 अनुलोम विलोम का आप अभ्यास करें, इनसे यकीनन ही आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और योग का अभ्यास जब भी करें तो किसी कुशल योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें आप, और इनको करें, इससे आपको अच्छा आराम मिलेगा। धन्यवाद।